नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का। आज के सेशन में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो आपको एग्जाम में सॉल्व ही नहीं करने होते। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं कि जो मैं सॉल्व ही नहीं करने का मतलब, अगर आप उन्हें सॉल्व करने बैठ गए तो समझो आपके हाथ से सिलेक्शन फिसल गया, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर उन क्वेश्चन को करना भी चाहें तो हमें क्या करना होगा, तो मैं बताने वाला हूं आज की क्लास में ऐसा अनोखा तरीका कि भाई इन क्वेश्चनों को या तो आप छोड़ दो या करो तो ऐसे करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने पेपर में बीच में बैठ के क्वेश्चन बनाए तो पूरा टाइम इन्हीं में निकल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ऐसे क्या खास क्वेश्चन है। ये मैंने किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन उठाए हैं। एक क्वेश्चन ये है मेरे सामने, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन है मेरे सामने जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा होगा कि हाँ यार, वाकई में ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक तो नहीं है, बहुत बड़े पड़ जाएंगे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। फिर क्या किया जाए, अब मैं आपको बताता हूं। इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, दो कैटेगरी के। एक क्वेश्चन बनता है सम निकालने पर कि सम निकालो, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है nth टर्म निकालो। पहली बात तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये दो क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कोई nth टर्म पे है, ये सम पे है, ये भी सम पे है, और ये nth टर्म पे है, ठीक है। n टर्म तक जा रहा है, नहीं nth टर्म पे नहीं है, ये भी सम पर ही है, ये भी सम पर ही है। तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। 1, 2, 3, 2, 3, 4, n, n+1, n+2, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, n की जगह अगर 1 रखते हैं, ये सॉल्व तो करने नहीं है आपको, केवल वैल्यू पुट करनी है। n की जगह 1 रखता हूं तो केवल पहली टर्म आएगी ये 1, 2, 3, इसका मतलब हो गया 1/6, ठीक है। अब मैं चार ऑप्शन देखूंगा, चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1/6 बन सकता है। अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 1/4, 1/12, यानी 1/4 - 1/12, ये बन रहा है यहां पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 में से 1 या 2, 2/12, यानी 1/6, ये तो बन रहा है मेरा 1/6, ठीक है। पहले ही ऑप्शन बन रहा है लग रहा है, पर पहले ही ऑप्शन सीधा ही आंसर नहीं करूंगा, अभी आगे भी देखूंगा। आगे देखता हूं 1/4 + 1/12 बनेगा। ऐसा भी हो जाता है इन क्वेश्चनों में कि ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 1/4 + 1/12, ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि माइनस वाला ऑलरेडी आंसर आ चुका है। आगे बढ़ता हूं, 1/4 + n की जगह 1 डाला, 2 × 2 = 4 - 4, ये तो 0 हो गया, ये भी घट गया। इधर डालता हूं 1/4 - n की जगह 1 डाला, 2 × 2 = 4 और प्लस, तो 1/4 + 1/4 यानी 2/4 यानी हाफ, तो ये भी कट गया। तो तीन ऑप्शन मेरे कट गए, तो एक ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके दो ऑप्शन मैच कर जाएं, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन मिले जिसके अंदर ऑप्शन मैच कर जाएं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 1/1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, n, n+1, n+2, n+3। सपने में भी सोच नहीं सकते कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना ही नहीं है इन क्वेश्चनों को, सीधा उठाना है और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो ये आएगा कितना, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 24, 1/24। अब मैं इधर रखता हूं, n की जगह 1 रखता हूं, देखिए तो 2, 3, 4, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 24, तो ये आ गया 1/3 × 1/6 - 1/24, ठीक है। तो 3/24 यानी 1/24 ही आ गया ये, तो इसमें भी पहला ही ऑप्शन आंसर आ रहा है, पर यहीं पर आंसर मार्क करना नहीं है, ये भी सीखना है आपको, कई बार दो ऑप्शन मैच होंगे। अब n की जगह 1 डालता हूं तो देखिए ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ही है, 3 से भाग नहीं हो पाया। n की जगह 1 डालता हूं तो ये कितना आ गया, 2 और 3 6, 6 - 2 = 12,
एक बटा छह प्लस एक बटा बारह, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया आपका दो और एक तीन, एक बटा बारह, तो यानी ये भी नहीं आया। आगे देखते हैं, n की वैल्यू डाली मैंने वन, तो ये आ गया एक बटा चौबीस, एक बटा छह, एड करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, माइनस वाले में आंसर आ रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, वैल्यू डाल के चेक करने में तो समय लग रहा है, और अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन ही ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं है कहीं, ठीक है, पर मैंने अभी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो उठाया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने देखा होगा, ठीक है, ये है आपका, यहां पर देखिए, यहां सम नहीं पूछा, nth टर्म पूछी है, यहां पूछी है nth टर्म कि nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, ठीक है, अप टू n टर्म, n टर्म, nth टर्म नहीं पूछी, सम ही पूछा है वैसे तो, ठीक है, सम ही पूछा है, पर nth टर्म का हम इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर लेंगे इसके अंदर, कैसे आइए देख लेते हैं। जैसे मैं n की वैल्यू 1 डालूं, मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा, मतलब यहाँ पर nth टर्म का और सम का जो मैं बार 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 बोले जा रहा हूँ, n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो 4 आना चाहिए, n की वैल्यू 1 डाल के देखिए, 8 में से 1 गया 7, इससे नहीं कटेगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो सॉल्व नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम, n की वैल्यू 1 डालिए, यानी 10 में से 1 गया 9, 40 बटा 9 माइनस 4 बटा 9, 36 बटा 9, यानी 4 आ गया, n की जगह 1 डालिए, ये फिर से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 9 से भाग नहीं हो, 81 से भाग नहीं हो रहा वो, ठीक है, फिर यहां देखता हूं फिर से, ये 9 40 बटा 9 माइनस 5 बटा 9 35 बटा 9, यहां भी नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पर दो बात समझिएगा, दो ऑप्शन अगर मैच हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, एक होता है क्वेश्चन सम पे, एक होता है nth टर्म पे, बात समझना यहीं पर ही, दोनों बात समझ आ जाएंगी, उसमें प्लस नहीं लगा होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट करके ये पूछा होगा कि बताइए nth टर्म कौन सी होगी, किस फॉर्मूले से दी जाएगी, तो यही समझ लेते हैं, एन की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो सम आ रहा है 4, n की वैल्यू जब मैं 1 डालता हूं तो पहली टर्म आ रही है कितनी 4, अब जब n की वैल्यू 1 डालने पे 4 आ रहा है और एक ही ऑप्शन में 4 है तो दोबारा से वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, अगर दो ऑप्शन मैच हो जाते तो हम क्या करते, n की जगह 2 डालते, 2 का मतलब है दो टर्म ले ली मैंने, 44 और 4 48, मैं देखता किस में 48 आ रहा है वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। अब जब nth टर्म की बात हो रही है ध्यान से समझिएगा, तो n की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा तो यहां 4 प्लस 44 नहीं आएगा, यहां केवल 44 आएगा, 2 का मतलब है दूसरी टर्म, उस केस के अंदर क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, 4 44, 444, तो बताइए ये जो nth टर्म है ये किससे गिवन होगी, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन बन जाता है, तो दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखी, nth टर्म भी और सम भी, और सम के अंदर भी मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने लायक तो है नहीं कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, गूगल पे सर्च करिएगा, देखिए आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम में भी काफी बार आया है, तो ये दो डिफरेंस समझने जरूरी है, दो का मतलब दूसरी, दो का मतलब दोनों, जब प्लस है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये तो सीरीज देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमसे होगी नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होगी, मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी इस तरीके की सीरीज, पर अभी किसी एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी वैरायटी पर है, तो इसलिए मैंने क्लास में ये डाल दिया आपके लिए, अब आप अपने आप समझदार हैं, आप खुद ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको करना क्या है, एन की जगह 1 डालना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, अगर आंसर आता है तो एन की जगह फिर 2 डालना है, अगर दो ऑप्शन मैच होते हैं तो, ठीक है, ये जब डालना है जब ऑप्शन मैच हो, जब ऑप्शन मैच हो तब इस्तेमाल करना है n इक्वल टू 2 का, नहीं तो n इक्वल टू 1 से आंसर आ जाना चाहिए, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, क्वेश्चन मार्क मैंने इस पे डाल दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, देखते हैं कौन निकाल पाता है, ठीक है।
कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कि आप क्या आंसर निकाल पाए, क्या आप चीजों को समझ पाए। मैं देखूंगा कितने बच्चों ने सही आंसर किया। और सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट तो आपके वेलकम है, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है जैसे आप कमेंट करते हैं। और उम्मीद है इसी तरीके से आप भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि यही मोटिवेशन है, इसके भरोसे ही वीडियो बनाता जा रहा हूँ। पता ही नहीं लग रहा कब सुबह है शाम है, 3 वीडियो बना ली 4 वीडियो बना ली, ठीक है। तो केवल वो मोटिवेशन है वो लाइक और कमेंट्स का, जिससे ये लगता है कि चलो अगले बंदे सीख भी रहे। तो मैं लगातार लगा हुआ हूँ, आप भी लगातार लगे रहिए। जय हिंद।